मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश सरकार से चाहते क्या हैं? ये हैं शिवनारायण, राहुल प्रजापति, शक्ति सिंह, ज्योति लोधी, शिवम सिंह चंदेल, मनोज पवार, प्रदीप तोमर, सुभाष राज, राहुल चंगोड, गौरी शंकर, राहुल मेहरा, कौशलेश दुबे, दीपक सोनी, अंतिम चौहान, रवि विश्वकर्मा, रवि मनोज, मनोज जावड़कर, राहुल प्रजापति, योगेंद्र प्रसाद, टेकम संतोष, योगेंद्र प्रसाद, संतोष टेलर, हेमा शिवा, विकास तोमर, मनोज पवार, सिड यादव, देवेंद्र शर्मा, राज तोमर, अजय कुमार, अखिलेश बघेल, नितिन बाथम, रवि विश्वकर्मा, रवि अंबर, मंडल सौरभ, अतुल पुराणिक, युवराज वर्मा, महेंद्र सिंह, दिमन सिंह, आशीष यादव, योगेंद्र सिंह डावर, नारायण, सुभाष राज, अभिषेक अवस्थी, रवि सिंह, शिव नारायण, आशीष यादव, अंतिम चौहान। इन युवाओं की तरह मध्य प्रदेश के हजारों युवा सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान नरोत्तम मिश्रा को ये याद दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्तियां निकालिए, जो कि 3 साल से आपने नहीं निकाली। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती कब होगी, इसका इंतजार ये युवा जबरदस्त कर रहे हैं और आज भी उन्हें इंतजार है। ये युवा परेशान हैं, ये युवा आंदोलन कर रहे हैं, ये युवा आवाज़ लगा रहे हैं, ये युवा गुहार लगा रहे हैं। 3 साल बीत चुके हैं लेकिन मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में कोई भर्ती नहीं निकली। पुलिस में नौकरी करने वाले युवा अब सोशल मीडिया पर अपनी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ युवाओं के नाम हमने आपको बताए हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोई भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कोई पीसी, अगर ये लोग सोशल मीडिया पर हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर चल रही है तो उसके कमेंट सेक्शन में हजारों की संख्या में पुलिस में जाने की कोशिश कर रहे युवा कमेंट कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा रहे हैं और पुलिस भर्ती की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की नौकरी में जाने की आशा रखने वाले इन युवाओं की उम्र भी वैकेंसी के इंतजार में बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये युवा पुलिस विभाग में वैकेंसी निकालने के साथ साथ आयु सीमा बढ़ाकर 37 वर्ष करने की मांग भी कर रहे हैं। इन नौजवानों का ये कहना है कि 3 साल से पुलिस विभाग में आपने कोई भर्ती नहीं निकली और इस कारण अब वो ओवर एज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवा वैकेंसी निकलवाने और आयु सीमा बढ़वाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन तक कर चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा और कई अन्य नेताओं को ये युवा ज्ञापन तक सौंप चुके हैं। हाल ही में युवाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का प्रयास किया लेकिन मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और इस कारण से ये युवा अब शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा से काफ़ी नाराज भी चल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमारी मांग पर आपने ध्यान नहीं दिया तो हम उपचुनाव में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जेल प्रहरी की भर्ती जरूर निकली थी लेकिन पद मात्र 226 थे, उम्र की सीमा 33 साल जरूर कर दी गई थी। इस बात को लेकर भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार काफी गुस्से में हैं। हालांकि कोरोना के चलते राज्य पुलिस विभाग में भर्ती इस साल तो संभव नहीं दिख रही क्योंकि सामान्य स्थिति में भर्ती प्रक्रिया में 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस में भर्ती प्रक्रिया नए वित्त वर्ष में ही शुरू हो सकती है, यानी कि अगले साल। तो मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 3 साल से भर्ती नहीं होने का असर पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी पड़ा है क्योंकि पुलिस कर्मियों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होनी है, सिपाही की भर्ती कैसे होगी इस बारे में पुलिस मुख्यालय 2 महीने पहले नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग को भेज भी चुका है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण प्रवेश परीक्षाएं भी नहीं हो रही हैं क्योंकि पुलिस की भर्ती में पूरे राज्य में एक साथ लिखित परीक्षा होती है, ऐसे में लाखों। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रदेश में हर साल 4 लाख नए बेरोजगार रोजगार पंजीयन कार्यालय में अपना पंजीयन करा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लगातार 3 सालों में केवल 1 ही भर्ती निकली है। ऐसे में युवाओं के मन में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बेरोजगार क्या मांगे, बेरोजगारी से
डंडे पे, नहीं चलेंगे डंडे पे। हमको मिलना है और अपनी बात कहें, हमको उनसे मिलना है, नहीं मिलने देंगे। हमको तो मिलना है, मेरी बात सुन लो। कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेगा और उसी हिसाब से काम होगा। आप दादागिरी कर लोगे तो आप नहीं हमारे बता दिया जाएगा। हम किसी तरीके से दादागिरी नहीं कर रहे, हम किसी प्रकार के दादागिरी सीएम साहब एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो। भर्ती नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट नहीं, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। नो रोजगार नो सरकार, नो रोजगार नो सरकार, नो रोजगार नो सरकार, नो रोजगार नो सरकार। एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो। नो रोजगार नो सरकार, नो रोजगार नो सरकार, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो। एमपी पुलिस की भर्ती जनपद में मैं खड़ेरी खड़ीत और मोदना तीन गांवों का ब्यौरा दिया तो हमें इतने सारे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने यही मांग की है कि एमपी पुलिस की भर्ती हटाइए, सॉरी एमपी पुलिस की भर्ती लाइए, जल्दी से जल्दी लाने की कृपा करें, नहीं तो यह आंदोलन बहुत तेज आग पकड़ेगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस बात पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें और 4 मार्च को सभी लोग भोपाल चले। भोपाल नहीं जाना चाहते तो अपने गांव या लोकल में लोगों को जागृत करें। धन्यवाद। मेरा नाम योगन सिंह है, मैं 3 साल से एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, 2 साल और बाकी रह गई है। मैं कुछ उम्मीद है वो भर्ती के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, बस उन्हें भर्ती निकालो। सिंह मधवैया सुकलपुरा गाँव से हूँ और पुलिस की भर्ती की तैयारी 2 साल से कर रहा हूँ और भर्ती निकल नहीं रही है और काफी तैयारी हो चुकी है हमारी और घर वाले भी, कुछ आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, बोल रहा है कि जल्दी से लग जाओ या कुछ भी करो, इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा कि एमपी पुलिस की भर्ती को निकाला जाए जल्दी से जल्दी। जय हिंद जय भारत। एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, एमपी पुलिस। वी वांट, आज हमने उठाना है, आज हमने उठाना है। मध्य प्रदेश शासन विगत कुछ वर्षों से बेरोजगार युवकों से परीक्षा फॉर्म के नाम पर बड़ी बड़ी रकम भरवा तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनको नौकरी देने की तो किसी न किसी कारण से उन्हें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार देखा गया है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा पिछले कई सालों से सरकार और जनप्रतिनिधियों के बिछाए माया जाल में फंसकर अपने कई वर्ष गंवा चुके हैं। कई युवा नौकरी पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अधिकतर नौकरियों में देखा गया है कि सरकार रिजल्ट घोषित करने के बाद वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया तो पूरी कर लेती है, लेकिन उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद नौकरी देने में आनाकानी करती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों में निकाली गई भर्ती परीक्षाओं का है, जिसमें एक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा भी है। आप भी सुनिए इस बेरोजगार युवा का दर्द, जिसके पास पात्रता होने के बावजूद नौकरी नहीं। जब हमारा नंबर आया तो एक उम्मीद जगी थी सरकार से कि हमारी भर्ती होगी, हमें भी एक नया रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन होने के पश्चात सरकार हमारी ओर कोई ध्यान न दे पा रही है, जिससे हम बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सारी डिग्रियां हैं और हम आज भी बेरोजगार लोग हैं। सरकार हमारी ओर लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई ध्यान न दे पा रही है। सरकार लगातार अपनी ओर कामों में व्यस्त है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो अगली बार जो सरकार आती है तो जिस प्रकार सरकार यदि हमें अनदेखा करती है तो हो सकता है कि हम अभ्यर्थी भी सरकार को अनदेखा कर दें। तो शिवराज जी मामा जी से हमारी यही एक अनुरोध है कि हमारी ओर ध्यान दें, हम बेरोजगारों की भी सुनें।
वहीं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले जूनियर सेल्समैन के 3,629 पदों पर होने वाली भर्ती का भी यही हाल है। सरकार ने दिनांक 14 सितंबर 2019 से 28 सितंबर 2019 तक आवेदन बुलाए, फिर 20 मार्च 2020 को परिणाम घोषित कर दिया, फिर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। अब यह जूनियर सेल्समैन ऑफिस और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, मगर किसी ने इनकी बातें अब तक नहीं सुनी। बघेल है और हम लोग यहाँ पे भोपाल आए बल्लभ भवन क्योंकि मिलने के लिए, और शिवराज सिंह जी के यहाँ पे भी गए थे और कमलनाथ जी के यहाँ पे भी गए थे, तो हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही जूनियर सेल्समैन की, जिसका सितंबर 2018 में निकली थी जॉब और 20 मार्च 2020 को आया था रिजल्ट, लेकिन 4 महीने होने वाले हैं अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, तो उसके संबंध में हम लोग इनको बताने आए थे, अरविंद सेंगर जी को, उमाकांत उमराव जी को, शिवराज सिंह जी को और कमलनाथ। मेरा जूकर हौज पैक से मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम लोगों आज हम लोग सब सभी लोग आए हैं, सभी जिलों से आए हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, माननीय सहकारिता विभाग के मंत्री जी को ज्ञापन दिया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। हम लोगों का बस एकमात्र यह है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुकी है, सिलेक्शन लिस्ट बन चुकी है, मगर हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। 4 मई का बोला गया था कि हम 4 मई को हमारा जो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, मगर उसको कैंसिल करके उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया। हमारा बस यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग कराएं। नमस्कार, मेरा नाम बलराम विश्वकर्मा है और मेरा चयन जूनियर सेल्समैन सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन पद पर हुआ है। ये भर्ती सरकार ने 2018 में निकाली थी, जिसमें 3629 पद थे, जिसका रिजल्ट बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद 20 मार्च 2020 में आया है। हम सभी अभ्यर्थी नियुक्ति का बहुत कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, 7 महीने हो चुका है रिजल्ट आया, अभी तक हमें नियुक्ति नहीं दी। सरकार ने कुछ सतना जिले में नियुक्ति चालू कर दी थी, लेकिन वहाँ पर भी वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी। मैं राजेंद्र सिंह चौहान रतलाम जिले का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में निकल गई जूनियर सेल्समैन की भर्ती में मेरा मेरिट के आधार पर चयन हो चुका है, परंतु आज 2.5 वर्ष पूर्ण होने पर भी सरकार ने मुझे नौकरी नहीं दी है, जिससे मैं और मेरे परिवार काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मैं जल्द से जल्द सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मुझे नौकरी दिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश की कनिष्ठ विक्रेता भर्ती में चयनित उम्मीदवारों का जल्दी जल्दी सत्यापन किया जाए और उनको नियुक्ति दी जाए, धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सीनियर टीवी लैबोरेटरी सुपरवाइजर एवं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के पदों पर होने वाली बहाली का भी यही हाल है। दरअसल इसे लेकर सितंबर 2019 को विज्ञापन जारी किया गया, 2 नवंबर 2019 को परीक्षा ली गई और 27 नवंबर 2019 को स्कोर कार्ड जारी किया गया। चॉइस फिलिंग के बाद 2 जनवरी 2020 को मेरिट लिस्ट जारी की गई, लेकिन पद स्थापना नहीं की गई। ये बेरोजगार युवा भी कई बार आंदोलन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से भी सूचित कर चुके हैं, मगर इनकी भी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सर, हम लोग STLS और LT की ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, जिसमें सर हम लोगों का एग्जाम हो चुका है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और इवन चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है। उसके बाद भी 8 महीने से हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम NHM ऑफिस गए, 1 जून 15 जून को गए, काफ़ी संख्या में भी लोग गए, नरोत्तम मिश्रा सर से भी मिले जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रभुराम चौधरी सर से भी मिले अभी लास्ट टाइम। उसके बाद भी सर कोई जानकारी, न सटीक जानकारी दी जा रही है, ना हम लोगों को ये बताया जा रहा कि कब तक ज्वाइनिंग होगी या क्या चल रहा। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है सर कि ये लोग अस्थाई नियुक्तियां कर रहे हैं जिला स्तर पे, जो कि वो लोग और उनको 3-3 महीने की कर रहे हैं और लगातार उनको एक्सटेंशन भी मिलता जा रहा, तो उनको अभी 6 महीने हो गई, फिर से एक्सटेंशन मिलेगा और हम लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही। तो सर हम लोग ज्ञापन देने आए थे, कई बार मिले सर जब 21 जुलाई को हम लोग आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपको परिपत्र जारी कर दिया जाएगा कि क्या कारण है और सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो सर हमारी मांगे ये है कि हमारी ज्वाइनिंग दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि सब कुछ हो गया है, सिर्फ पदस्थापना बाकी हुए और उसके अलावा कुछ नहीं। सर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिया है कि हम आपके मैटर को दिखवाते हैं। जब डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, हम उनसे भी मिले, दो माह बीत चुके उस बात को, उन्होंने भी कुछ सिर्फ आश्वासन दिया, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं। और श्री प्रभुराम चौधरी जी से भी हम मिल चुके हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव में ही जो है हमारे नेता मग्न हैं, और बेरोजगारों की अगर उनको चिंता होती, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो
और चाहे वो हमारे मंत्री हो तो वो जरूर हमें नियुक्त किया देते, है ना, हमें ऐसा लगता। और कुल मिलाकर ये सभी मामले दिखाते हैं कि युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद उन्हीं युवाओं के भविष्य को लेकर उदासीन हो जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक युवा आबादी निवास करती है। अगर इस युवा शक्ति को बेहतर भविष्य दिया जाए तो निश्चित तौर पर भारत दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की सूची में पहले नंबर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़।